पलवल सदर थाना में एसआई के पद पर कार्यरत व मामले के जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि गांव दिघोट निवासी गंगाराम ने बुधवार की दोपहर को अपनी 17 वर्षीय बेटी सोनम की बंद कमरे में तेल डालकर जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद गंगाराम को घर से निकलते समय पड़ोसी देवी सिंह ने देख लिया था। देवी सिंह को जब शक हुआ व जलने की बदबू आई तो उसने गंगाराम के घर जाकर देखा तो सोनम जली हुई अवस्था में मृत पड़ी थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। देवी सिंह ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर जाकर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया और देवी सिंह के बयान पर आरोपी पिता गंगाराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वीरवार को सोनम के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया और घटना की गहनता से जांच करते हुए आरोपी गंगाराम को गांव से ही गिरफ्तार कर लिया है। गंगाराम ने पूछताछ में बताया कि उसकी बेटी सोनम कक्षा 12वीं में पढ़ती थी। सोनम के गांव निवासी एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बात का पता गंगाराम को चला तो उसने अपनी बेटी सोनम को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन सोनम के नहीं मानने पर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने पहले अपनी बेटी के साथ मारपीट की और बाद में किसी को शक ना हो इसलिए केरोसिन डालकर जला दिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। दिनांक 15/5 को बजरे टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी कि दिघोट गांव में गंगाराम पुत्र दीपचंद ने अपनी लड़की को जला के मार दिया। सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, जो मकान के कमरे में लड़की जड़ी हुई अवस्था मिली थी, जिसके पड़ोसी के बयान पर मैंने एक FIR दर्ज करके और कल एक्सपायर्ड पीड़िता का पोस्टमार्टम करा दिया है और आरोपी पिता जिसने चरित्र पशक के चलते अपनी बेटी को मार के जला दिया को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी उसने मारपीट की थी इससे जो संबंध को लेकर जो उसके संबंध थे किसी? ऐसा वर्षन कोई सामने अब तक 35 में नहीं आया है। गर्भवती भी थी लड़की? नहीं, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अब क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर हासिल करेंगे। किसने आग कैसे लगाई थी उसको पता चला? तेल जला के, तेल से जला दिया, मिट्टी तेल। पहले मारपीट करी थी, फिर तेल जला के? हाँ।